नमो हेमता नमो सिद्धान नमो आर्यनम नमो वज्जायन नमो लोये सविषाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु सासु नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते मंगलमय मंगलकरण वीतराग ज्ञान नमः ताये जाते वै अरंतादिमहान कर मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सौ पावे निजपति श्रीमद परम गंभीरम स्यादवाद अमोघलांचिनम जिया त्रिलोकीनाथ से शासनम शासन नायक देवादि देव भगवान महावीर स्वामी की शीतलनाथ भगवान की बतलपुर अतिशय क्षेत्र की एक ऐसा दर्दनाक प्रसंग जिसको हम भुला करके बैठे हैं, वीरों की कुर्बानियां, समय सीमा के अंतर्गत इस विषय को लेना है, अतः प्रारंभ से ही यह विषय अन्य कोई भूमिका न बनाते हुए प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ला के यहां रखते हैं। कोई भी भूले हुए इतिहास की तुमको याद दिलाते महामना टोटर मल जी की कथा सुनाते महामना टोटर मल जी की गाथा गाते हैं जागो जागो जैनी भाई कथाई जगा रही सुखदाय क्या बोल रहा है हाँ पुराना नहीं है ना इतिहास है इतिहास 300 वर्ष पहले का इतिहास या जो भी इतिहास सुनाएंगे इतिहास ही सुनाएंगे तुम्हें जगा रही है इतिहास हम फिर दोहराते हैं महामना टोडर मल्ली की गाथा गाती गुलाबी नगरी जयपुर जिस समय वह गुलाबी नहीं थी वो केसरिया हो गई थी क्योंकि वहां पर जैन शासन का अमृत बरस रहा था मां शांत 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 वीतरागता का अमृत बरस रहा था यदि बुद्ध तत्व बरसता अहो जयपुर माई नगरी जयपुर थी
पंडित जी का पिता का नाम जोगीदास था, माता का नाम रंबा देवी था, जी मैं दोहरा चुका हूं, कह चुका हूं, इसलिए उसको थोड़ा आगे कहता हुआ पढ़ रहा हूं। वे खंडेलवाल गोदी का गोत्रज थे, उनके दो पुत्र थे हरिश्चंद और कुमारी राम। मैया ने बचपन से ही मानो पंडित जी को कोई अद्भुत लोरियां सुनाई हो। माता रंबा देवी के मंगल संस्कारों का ही फल होगा या उनके पूर्व जन्म का। रंबा देवी मानो ऐसे माता ने, अरे माता ने नहीं अपितु अनेक वीर माताओं ने अपने वीर कुमारों को अकलंक और निकलंक का प्रसंग तो बनता ही है लोर, लेकिन टोडर मल जी को भी ऐसी कोई संस्कार माता ने दिए हो। अहो देव साते गुरु वर जे सर्वोत कृष्ट है जग में, इनकी सम्यक श्रद्धा कर लखना निज ज्ञायक निज में। क्या कह रही थी माता, इनकी सम्यक श्रद्धा करके तू अपने ज्ञायक भाव को अपने में नहीं रखना। निर्मल समकित प्रगटाना संयम की भावना बाना, चाहे प्राण भले ही जावे जिन धर्म की रक्षा करना। ओ मेरे वीर कुंवर तुम शासन ध्वज फहराना, चाहे प्राण भले ही जावे जिन धर्म की रक्षा करना। बेटा प्राणों को अर्पण करके भी परम पूज्य जैन शासन की ध्वजाए तुझे पुकार रही है। मिथ्यात्व मां तम ललेना, टोडर मल जी का जब जन्म हुआ मिथ्यात् का वातावरण भयंकर छाया हुआ था, मूल आमनाय को भूल चुके थे। मैंने कहा था मुख्य प्रकरण कहूंगा टोडर मल जी की कथा, बीच में जब संक्षिप्त में बताऊ। मिथ्याति मातम ललिना इस भूतल पर अति छाया, इस अंधकार में सबने सुधातम तत्व दिखाया बुलाया। मिथ्यात के अंधेरे में बेटा सब चैतन्य को भूल चुके हैं, मिथ्यात में दौड़े लगे जा रहे हैं। बेटा वीर के शासन की ध्वजाएं गिरती जा रही है, इसलिए ये काम करना, तू जब बड़ा हो तो ये काम करना। इसको बैरी समलख कर, किसको अभी पूछूंगा मैं आपसे मुख्यमंत्री को कहता, इसको बैरी समलख कर नहीं अंश भी रहने देना, चाहे प्राण भले ही जावे जिन धर्म की रक्षा। सम्यक्त की रक्षा में जिन धर्म की रक्षा है, ज्ञान की रक्षा में जिन धर्म की रक्षा है, चारित्र की रक्षा में जिन धर्म की रक्षा है, जिन संस्कृति की रक्षा में जिन धर्म की रक्षा है,
जहां हिंसा सुरक्षित है वह धर्म सुरक्षित है, वहां सुख सुरक्षित है, शांति सुरक्षित है। तू सुख को सुरक्षित करना चाहता है तो आचार्य भगवान कहते हैं धर्म को सुरक्षित रखना। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म से रक्षित है भाई सुरक्षित है। धर्म से रक्षित है उसको किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, और जो धर्म से रक्षित नहीं है उसकी कोई रक्षा कर सकता नहीं है। चिदानंद गानी का अनुभव कर तुम सहजानंद विकसाना, परमानंदमय जीवन ऐसा तुझको है बनाना। बोलो कहीं लिखा है? चिदानंद के अनुभव से तुम सहजानंद में लखना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी भव्यों को भी प्रेरणा कर, भव्यों को भी प्रेरित कर, यही शुभ मार्ग दिखाना। अमूर्त के प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु को अनुभव सदा अविकारी, सानुभवी मूल धर्म का पुरसारत कर प्रगटाना। समझ गया कहां से? मोक्ष मार्ग अंत में देखो, तू ग्रस्त अवस्था तजिना। आज शुरू में लोरी सुना रहा हूं तो सोने की तो कोई बात ही नहीं, और आज तो जागृत वीरों की लोरियां है, तुम्हें जगाने है, आज जगाने का ही काम करना है। तू ग्रस्त अवस्था तजिना, मुनि मुद्रा धारण करना, फिर निज स्वभाव साधन सो चौगाति कर्म छय करना, अरहंत दशा प्रगटा कर शाश्वत शिव पदवी पाना। बोल गए सिद्ध चक्र में पहुंचा दिया माता ने, अरहंत दशा प्रगटा कर शाश्वत सिद्ध पदवी पाना, चाहे प्राण भले ही जावे धर्म की रक्षा। कथा तो बार बड़े से मिलता है इतिहास, मनमता ने ऐसी लोरियां सुना करके उनकी अंतर की वीरता को जागृत किया होगा। ऐसी माता रंभा देवी, ऐसे पिता जोगीदास, उनकी यहां इस धन्य पुरुष ने जन्म लिया था। गृहस्थ थे लेकिन विरक्त थे, जैसे कमल कीचड़ में रहता है उसी प्रकार अलिप्त रहते हुए सदा मुनि धर्म के धारण करने की भावना जिनके अंतरंग में चला करती थी। चिदानंद घन भगवान आत्मा का अनुभव करने वाले अनुभवी कौन भैया? टोडर मल्ली। आज कोई मैं एक वो नगरी थी फिर वो राजा थे ये नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कल्पना तो थोड़ी कहानी बनाऊंगी। हाँ इतिहास जो मिला है वही तो कह पाऊंगा। वो आ गए फिर वो घोड़ा आ गया फिर वो आ गया, आज नहीं बता पाऊंगा ना घोड़ा ना आदि। हाँ गृहस्थ होकर के भी विरक्त मुनि धर्म की अंगीकार करने की निरंतर भावना जिन शासन के परमानुरागी भगवान आत्मा का जिनने अनुभव किया था अद्भुत पावन पवित्र जीवन, गृहस्थ में रहकर के भी निरंतर जिन शासन की प्रभावना की जिनकी चला करता था, क्या किया? हमने उनसे पूछा, वे गृहस्थ बने थे लेकिन अंतरंग में क्या चला करता था?
पंडित जी से जाकर के हमने पूछा कि पंडित जी हमें आपकी एक कथा लिखना है, मानो आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दो। तो पंडित जी बोलो, मैं जीव द्रव्य मम चेतना गुण बस याद रहे सुख कारण। मैं जीव द्रव्य हूं और चेतना महामना डोडर मलिदी की कथा गाते। मैं जीव द्रव्य मम चेतना गुण याद रहे सुख कार सब कहीं मल्ल जी बोलक ते ज्ञायक वेद ज्ञान सुख का। सब लोग उनको क्या कहते थे? पंडित मल्ल जी, मल्ल जी, पंडित जी साहब, पंडित जी साहब। और वो क्या देखते थे? ज्ञायक के मंगल रसिया की तुम्हें कथा सुनाते हैं, महामना टोडर मल जी की गाता गाते हैं। सुनो जी मंगल भूल गए, हाँ जागो जागो जैनी भाई कथाई जगा रही सुखलाई। ऐसा बरतते हुए उन्होंने मंगलकारी जैन शासन की सेवा में बरत रहे हैं। वो किस प्रकार की वहां जयपुर में उस समय प्रभावनारी चला करती थी। थोड़ी देर के लिए पंडित जी की सभा में चलते हैं। कहा? सभा में, दैनिक सभा मोती डोंगरी पर। जब इंद्रधनुष महामंडल विधान हुआ होगा तब वो कैसा हुआ होगा और कितने लोग आए होंगे उसका तो कोई अद्भुत ही है। आए अपन कितनी भी अच्छी पत्रिका छपवा ले लेकिन उस पत्रिका जैसी पत्रिका नहीं है। कितना जमाना आ गया हो विज्ञान का, लेकिन जो पत्रिका उस समय लिखी गई थी वो पत्रिका नहीं थी, उसमें तत्व ही भरा हुआ था। तो उस समय कितने लोग होंगे, क्या होगा उसकी तो वार्ता नहीं कर रहे, लेकिन दैनिक सभा इतनी बड़ी थी उनकी है? हजार बारह सौ जनिया नित जिनवाणी सुनते। कितनी सुनकर बचन जिननाथ के कल काल विसरते। चतुर्थ काल सा वातावरण वहां पर दिखाते हैं, महामना टोडर मल जी की चतुर्थ काल जैसा वातावरण चल रहा था। हजार बारह सौ लोग और जिनमें एक आश्चर्य का आप स्वयं समझ जाओगे। 500-700 पुरुष और 400-500 बहने। अब इसमें आश्चर्य क्या हो गए, इसमें आश्चर्य क्या हो गए? कटोरा मल जी की सभा में जी आश्चर्य मिलता है, मुझे तीर्थंकरों की सभा में भी नहीं मिलता। समोसरण में 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्रावक का मतलब दूने दूने डेढ़ गुने ऐसे दिखाई देते। अब यहाँ को मुझे पता नहीं ठीक है। टोडर मल जी की सभा में पुरुष जाना, अब वो क्यों जाना, क्या कम उसका मैंने कोई खोज नहीं किया, इतिहासकारों से पूछ। ऐसी मंगल प्रभावना लेखनी शुरू हो गई थी उनकी। समय ज्ञान चंद्रिका नाम की महान टीका जो घुमट सार, लब्धि सार, चपना सार आदि की टीका ब्रह्मचारी रायमल जी की प्रेरणा से विशेष बैठिका लिखी है। और लिखने के बाद में अंत में क्या लिखा, ये है सब पुद्गल के खेल इनमें ना ही हमारो मेल। और जिस समय वह टीका की रचना कर रहे थे ऐसे डूबे हुए थे उस टीका में कि माता ने 6 माह तक कहते हैं कि दंतिया अनुसार कि नमक नहीं डाला।
या कम डाला जो भी है, नमक नहीं डाला है इसे। तो जैसे दिन वो टीका पूरी हुई है, पंडित जी रंभाबाई माता से कहते हैं कि माता मैया, आज तुमने नमक नहीं डाला। तो कहते हैं आज तेरी टीका पूरी भाई क्या। तो यहां तुम्हें कैसा पता, मैंने तो 6 माह से नहीं डाला। कितने दिन से? अब सोचो कैसे डूबे रहते होंगे और कैसे ग्रस्त होंगे। समझ गए ना, कहने की थी लोग कह रहे थे वो ग्रस्त का ग्रंथ हो, ग्रस्तों का ग्रंथ है। अरे प्रभो, कहां वे डूबे कहां बैठे। आज यदि यह ग्रंथ पूरा होता तो दूसरे ग्रंथ की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा सार भर देते। लेकिन फिर भी पूरा लिख गए, जितनी हमारे जरूरत थी उतना लिख गए और बच गया। उसके बाद में बस मैं गद्य पद को छोड़कर गद्य को बांटता जा रहा हूं, क्योंकि समय सीमा के अंतर्गत अपने विराम देना है। आत्मानुशासन आदि ग्रंथों की, प्रसार सिद्धि उपाय आदि की टीका की, और एक करने के बाद में अनेक ग्रंथों के सृजन के बाद में बस एक ग्रंथ की रचना, जिसको उन्होंने महाग्रंथ संज्ञा दी है, सर्व ग्रंथों का सार। इतना अध्ययन स्वाध्याय स्वानुभव का मंगल प्रताप, तब इस महान ग्रंथ की रचना की है। आत्मानुशासनादि ग्रंथों की टीका एक मूल से जोड़ कर एक मोल के ग्रंथ की फिर रचना कीनी। लेकिन शब्द क्या है? मूल से जोड़कर और मूल से जोड़कर क्या सुरेंद्र जी? हाँ आज और आप लोगों को जगा दू। हाँ वो जगह जागृत ही हो। मूल से जुड़कर और मूल से जुड़कर, मूल से और मूल मतलब क्या? मूल जिनागम और बोलो बोलो भैया। हाँ यार एक बार जगह है ना, पक्का पक्का। अपने को चैतन्य ही देखना, जिस समय अपने को चैतन्य ही देख रहे हैं। कई बार मैं किसी से ओ भैया थोड़ा सा, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। अगर कोई कह रहा है ए भैया थोड़े, अरे हम तो जग रहे बोलो। कोई खुली आंख सोता है, कोई ना बंद आंख सोता है, लेकिन जो अंतर्मुख होता है वो जागता है। जागते रहना, अपने को ज्ञायक देखते रहना। ज्ञायक को भूला तो सो जाएगा, लूट जाएगा तू। कर्म तभी लूटते हैं जब तू चैतन्य को भूलता है। चैतन्य को मत भूलना, और कदाचित भूलता हुआ भी नजर आए तो चैतन्य को भुलाने वाले को मत भूलना। चैतन्य को बोल तो सही, जो हम बोला जा रहे बराबर बराबर के चैतन्य को बुलाने वालों को मत भूलना। क्यों ना बुलाने वाला? हाँ, चैतन्य की याद दिलाने वालों को मत भूलना। बुलाने वालों को तो तुम नहीं भूलते हो, बेटा बच्चा दुकान धंधा। अरे प्रभु परमात्मा को स्मरण करते रहना और परमात्मा स्वभाव को स्मरते रहना। और मूल से जुड़कर के कि मोले ग्रंथ की रचना करी है। नाम रखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक,
लख भाभी हरसाते हैं, मामना टोटर मल जी की गाथा गाते हैं। जागो जागो जैनी बा जग रही सुखदा। मिथ्या दृष्टियों के गढ़ हिल गए, कौन के? जावेस मान ग्रंथ की, कौन से ग्रंथ की? मोक्ष मार्ग खासा। तो जो बड़े बड़े महल बना रखे थे, जब इसकी प्रभावना हुई और वहां तक पहुंचने लगी ये बात, मिथ्या दृष्टियों के गढ़ हिल गए। विरोध था कीना, इसी किंवदंती अनुसार मिला है भाई। पंचम अध्याय हटा दो प्रस्ताव था दीना। क्या अब अपने लोगों ने कह दिया कहीं जाकर के ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखा, उन्होंने प्रस्ताव दिया क्या? पांचवा अध्याय हटा दो, मरवा देंगे अन्य तक तुमको धमकियां सुनाते हैं। महामना टो डर मल जी की मृत्यु की धमकी किसको देते नहीं हमको कछुए। क्या बोले हैं? और जिन शासन की सेवा करते रहते सदा अभय, बेबी बेबी दे होकर भागे उसे आत्म को भाते हैं। महामना टो डर मल जी की गाथा गाते हैं। ओ उनका हृदय था, क्या बोले? किसको डराते हो तुम? अरे हम तो चिदानंद द्रव्य भगवान आत्मा को भाते हैं, कि हम वैसे नहीं भागते हैं, भयभी भयभीत हो करके भाग जाता है। और भैया सुनो, कोई पंचम कोई छठम सप्तम हटाना चाहे, समझ गए? एक कहेंगे शुभम भैया, एक कहेंगे पंचम हटा दो, तब तक ये पद्मपति वाले आ जाएंगे कि महाराज ये काम करो, छठवा हटा दो, तब तक महाराज तुमने, हम तो तुम्हारे दैदिक श्रोता थे, तुमको निश्चय वादी को व्यवहार वादी, एक काम करो महाराज सातवा हटा दो हैं? अरे मिथ्या दे हटाने ग्रंथ लिखा है, नहीं माना दिख की चाय। क्या बोले? इनको मत हटाओ। क्या हटाओ? ग्रंथ हटाओ, ग्रंथ हटाओ। अरे मिथ्या हटाओ, समझ आए कि नहीं? सप्त वसन से बड़ा पाप जिन स्वामी कहते हैं, मामना टो डर मल जी की गाथा गाते हैं। जी जागो जागो जैनी बाई कथाई जगा रही सुखदाई। और जब वातावरण फैल गया, थोड़ा थोड़ा विरोध के झलकें आने लगी, तो पंडित साहब ने कहा भैया कोई किसी का विरोधी नहीं है, अज्ञानी महादुखा है, ज्ञान की प्रभावना का ध्यान रखना। अंधकार के लिए कोई पृथक स्रोत नहीं होता है, जहां प्रकाश नहीं होता है वहां अंधेरा आ जाता है। राग के लिए, देश के लिए, मोह के लिए, अज्ञान के लिए, विरोध के लिए कोई पृथक स्रोत नहीं है, जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा वही मोह का अंधेरा होगा। आप तो प्रकाश ले आना, अंधेरा स्वयं भाग जाएगा। अंधेरे को भगाने का प्रयास मत करना, कैसे भगे इनका ये अंधेरा, कैसे भगे मिथ्या राग द्वेष कैसे जाए? अरे चैतन्य का प्रकाश ले आना, ये सब भाग जाएंगे। क्या होगा? सब भाग जाएंगे, नहीं उस बहू की तरह भगाने से कुछ नहीं होगा। हैं माँ जी कह गई पास में, बेटा देखना कोई घर में ना आ जाए। मैं पड़ोस में थोड़ा जा रहा हूँ, संध्या का टाइम था, तो थोड़ी देर बाद द्वारे में बैठी बेचारी, और थोड़ी देर बाद देखती है कि अंधेरा छा गया। उसने कहा बड़ी आफत हो गई, माँ जी आके मुझसे कहेंगी जी आ गए। तो उठाया एक डंडा, डंडा उठाने के बाद में लगे हम बात तो सही, तू किसको भगा रही?
अंधकार डंडा मार मार के आ बर्तन गिरे जो पास से आ गए काय बेटा कवात कि माँ जी हम तो द्वारे ही बैठे थे और ना जाने थे कहाँ से आ गए ऐसी तमके तो राग न जाने कहाँ से आ गए मोह न जाने कहाँ से आ गए हम तो वैसे ही बैठे थे हम तो यही कर कहाँ से आ गया कि चैतन्य को भूला सोई आ गया गायक को भूला सोई महाराज जी तो कथा ही अद्भुत है। एक काम कर दे चिंता मत कर विकल्प बंद कर उलाना नहीं देना चाहिए कल भी हमने कहा था कुछ पढ़ाए नहीं काशी के आई तुम्हें तो भी नहीं जानो बेटे दीपक जला रहे लाओ दीपक तो ले आओ अपन आरती उतार दे ऐसी तो आरती चली हैं आरती जला ले दीपक जला दीपक जलाया तो अंधेरा भाग गया। ऐसी भाई विरोध का विकल्प मत कर अज्ञान मिटा। पंडित जी ने कहा देश भाषा में ग्रंथ लिखो तब गांव गांव में वचन कहां पहुंच रही और बड़ा प्रभावना का योग बना हुआ था और उसी समय वो काल आ गया पंडित जी की रचना इधर मोक्ष मार्ग विकासक इधर पुरसार सिद्धि उपाय आदि टीका लिखी जा रही थी और कितना लिखा होगा कोई पता नहीं है कहीं चला भी गया हो तो कौन कह सकता है समझ में ये तो उपलब्ध ग्रंथों की बात करते हैं। नियम सार में एक बार बार नाम देते हैं भगवान पद्म प्रमल दारी देव ऐसा मार्ग प्रकाशक में कहा मार्ग प्रकाश अब जी ग्रंथ कहा है बोलो शोभम जी टीका माता मार्ग प्रकाशक में ऐसा रखा त्रिलोक विवाह ग्रंथ से देख लेना है इसका विस्तार। अब कहा है त्रिलोक विवाह ऐसी चला गया भैया कितने गए अभी मैं सुनाने वाला हूं पहुंचने वाला हूं वहीं पर तभी तक तो क्या होता है उपद्रवियों ने क्या किया एक भयानक बेला आई जो इतिहास की भयंकर थी और उन्होंने क्या किया इनको मरवाने का एक ही उपाय है राजा शिव का भक्त है इसलिए कोई ऐसा उपाय करते हैं इस उपाय द्वारा इस उपाय के द्वारा विकल्प नहीं करना मैंने बंद किया है हाँ बस उस उपाय के द्वारा एक कार्य किया जा सकता है। उन्होंने क्या किया उपद्रवियों ने शिव पिंड को उखाड़ दिया सुख का दुख का शिव की पिंडी को उखाड़ दिया और उखाड़ने के बाद में क्या किया अरे पंडित टोडर मल जी का नाम लिया अग का हम लोग बहुत विवेक रखते हाँ तुम्हारे कार्यक्रम में कोई विकल्प ना बन जाए समझ गए ना ये विवेक रख करके ही हम चलते हैं हमें हाँ हम यहाँ बैठे ठीक है हाँ ये कहाँ जा रही है आवाज हमें कमा हाँ। कभी मैं सोचा करो अपन चार लोगों के बीच में बैठे जी मोबाइल और न जाने कहाँ और किधर कहाँ जा रही हो उतना विवेक रखो भाई कली काल है अभी भी बहुत गया नहीं है यद्यपि बहुत सुधार है तथापि अभी भी गया नहीं बंदी बना राजा के निकट उनको ले जाते हैं महामना टोडर मल जी की गाथा गाते हैं जागो जागो जरी बात कथाई जगा रही क्या हुआ उन्होंने उसको कार दिया था और पंडित जी का नाम ले दिया था राजा उसी का भक्त था तत्काल का पकड़ के लिया और मृत्यु दंड दे दो
मानो वे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही लिख रहे हूं, और किसी लेखक ने नाटककार ने तो वहां ऐसा लिखा है कि लिखते लिखते वो आए हैं और पकड़ लिया और लिखा था बहु और री नहीं लिख पाए। किसी ने तो ऐसा भी कहा, क्योंकि वहां बहु लिखने के बाद में सोम जी क्या है डैश 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 लगी हुई है, इससे सिद्ध होता है कि वो जो उठे हैं तो पानी पीने नहीं उठे, उससे बड़ी कोई चीज कि बाप के भी वे पूरा नहीं लिखे हैं लिख पाए हैं ताकि पहले कोई उपद्रव अल्लाह जब बार वो छोर शुरू हो गया अवमान वही रचना लिख रहे हैं भाई भाई टूट गया और ऐसा लोग कहने लगे नहीं हमारे पंडित जी ने कार्य नहीं किया नहीं किया नहीं किया, हम सब प्राण देने के लिए तैयार हैं। पहले बात बोले भैया विकल्प मत करो, जो होना है भगवान के ज्ञान में निश्चित है, पाप के उदय में सहायक के निमित्त नहीं बनते और पुण्य के उदय में दंड के निमित्त नहीं बनते हैं, जो होना है सोना। सबको पंडित जी ने रोक दिया, बंदी बना करके और भी अनेक साहबों को चल दिया है और मानो किसी दिन के साथ में जा रहे हैं। एक महान पुरुष जिसको भेड़िया डाली जा रही है, तो प्रकृति भी कह रही थी कि ये बंधन नहीं बंधन के लायक है, क्या बंधन के नहीं बंधन के लायक है, ये पंचम काल का गो दशा है। कैसे महापुरुष जो आज तक सम्मान और सबसे दूर रहे, कर्म का उपद्रव आया और हमारा यह भाग्य था, वो उनको भी भेड़िया डर गई। पाप के उदय से कोई पापी नहीं हुआ करता है, पाप के परिणाम से ही पापी होते, पुण्य उदय वाले भी पापी हो सकते हैं और पाप उदय वाले भी पुण्यात्मा हो सकते, और पुण्यात्मा ही नहीं धर्मात्मा महात्मा हो सकते, और वे पाप उदय के काल में दिख रहे हैं तो उस समय परमात्मा हो सकते हैं, हो सकते हैं। वो अर्थ मत लगाना, परमात्मा पाप उदय वाले वो वाले नहीं, मतलब पाप का उदय चल रहा हो घानी में पेल रहा है तो किसका उदय था बोलो, पाप का कर्म का उदय, कर्म का उदय वो दुख का कारण है, कर्म के में परिणाम जुड़ा है वो दुख का कारण, बाहर में कर्म का उदय भले चलते रहना लेकिन भीतर में कर्म का उदय मत चलाना, भीतर तो धर्म का उदय देख। जो धर्म का उदय देखेगा उसका कर्म का उदय कुछ नहीं कर पाएगा। भैया सो तो जाग तो रहे हो ना, चल दिया है जिंदरम क्या रहे हो कर जिंदरम जिंदरम तेरसम जामरम तेरी रक्षा में प्राण बितज देंगे। सर्वप्रथम इसी के लिए सृजन किया था, फिर अनेक लेखकों के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने हिसाब से और भी इसको वितरकता में डाला। जिंदरम जिंदरम तेरसम जामरम तेरी रक्षा में प्राण बितज देंगे हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम अमर कर जाएंगे हम। जिंदरम जिंदरम समझा मरम तेरी रक्षा में प्राण बितज रागी को देवी को गुरु को धर्म तज बीते रागी प्रभु को भजेंगे हम। सिर कटे तो कटे
पर इनके सिवा, किनके सिवा? इनके सिवा वितरागी देव सास और गुरु के अलावा, सिर कटे तो कटे पर इनके सिवा, सिर कहीं नाई झुकाएंगे हम जिंदरम जिंदरम इरसम जामरम तेरी रक्षा में प्राण भी तजो देंगे हम, सील को निज का प्राणी समझ अन्याय अनीति अवच्य भक्षण ए दुर्गति जाने के लक्षण, प्राण जाए तो जाए प्राण जाए तो जाए पर इन्हें मैं कभी हम नाई बरतन करेंगे हम जिंदरम जिंदरम तेरा समझा मरम तेरी रक्षा में प्राण बितज देंगे हम, आज में चादर सने कापी उठा गवरा कर ब्रोदे करने उठा, कौन बोलो मिथ्या दर्शन काम करके विरोध करने के लिए ये क्या हो रहा है? ये पंचम काल कांपने लगा था जिस समय तत्व की धारा बह रही थी, ये क्या हो गया? ये चौथा काल कहां से आ गया? जब जब चौथा काल अपना वातावरण दिखाएगा पंचम काल विरोध करने के लिए आएगा, क्योंकि भाई कहेगा कि मेरे रहते हुए चौथा काल आ गया, कैसे आ गया? और मैंने यहां से कहा था जिन शासन चलता है समय सार चलता है नियम सार चलते हैं, जहां भगवंतों की वाणी चलती है वहां पंचम काल नहीं चला करता है। आज मीठा दर्शन का पी उठा गवेरा कर ब्रोदे करने उठा, हम रहे ना रहे, टोडरमल जी कह रहे हैं उसका कुछ होगा नहीं, उसको तो मुर्दा कर चले हम जिंदरम जिंदरम तेरा समझा मरम तेरी रक्षा में प्राण। किसको मुर्दा करके गए हुए? अब तुम बात पानी दे देंगे जिंदा करने की कोशिश मत कर, और मुर्दा करने के लिए ग्रंथ दे के गए थे, कौन सा वाला? मुर्दा करके गए, और जिसने इसका स्वाध्याय किया उसका मिथ्यात जिंदा नहीं रह सकता। कोई मिथ्यात का समर्थक होगा, जिसे मिथ्यात जिंदा रखना है वो ही इसका विरोध करे तो करे, लेकिन जिसका मिथ्यात मुर्दा होने का काल आ गया है उसको मोक्ष मार्ग का सके पन्ने पलटे बिना रहेगा। स्वामी जी कहते थे हमें यदि कोई मत परिवर्तन के लिए बाध्य किया है तो समय सार तो किया ही है, लेकिन उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी मूल है, हिला दिया था। इसी के आधार में अपने मत के लिए क्या करते थे? वो तो जैन मत ही नहीं है, खरे खर अन्न मत है जिस मत से आए। हाँ वो अन्न मत है, उन्हीं के बीच में बैठ करके बोलते थे तो हमारी मत तो तुम्हारे बीच में बोलने की ना हो। हाँ और वे तो विनी के बीच में बैठ करके चितंबर खरे खर अंत मच्छ है बापू, ये तो बोलते थे। हाँ तो कहने का तात्पर्य ये है, कहया हम रहे ना रहे इसकी कोई हमें चिंता नहीं है, लेकिन हमें जो कहना था हम कहकर जा रहे हैं, जो होगा थी होगा, अभी अगर आगे प्रभावना होनी होगी तो होगी। हम तो अपने पूरे आराध्य और आराधना के साथ में होश के साथ में जा रहे हैं,
आज मोती कसाया शीश पिदर शासन को सर्वस अर्पण कर तेरा मार्ग प्रकाशक ग्रंथे को दे असते हुए मौत को गाएंगे हम। क्या बोल गए? हंसते हंसते, क्योंकि आज हम सब कुछ दे करके जा रहे हैं, हमें भी कछु चिंता नहीं है। ध्यान रखना, तुम कहीं विरोधों में मत पड़ जाना। क्यों? कोई निश्चय कना मिले हुए सुचन व्यवहार में अटके कोई मती मन दो पैर समा के निश्चय समझेंगे अरु समझाएंगे हम जिंदरम जिंदरम समझा मरम तेरी रक्षा में प्राण बितज देंगे। निश्चय यानी व्यवहार, जिन वाणी माता के दो पैर के समान है। एक पिता दो बेटा उनके, उसके धर्म परीक्षा में कहानी आती है। दोनों पिता को बड़े स्नेह दे देते, पिता की सेवा करना चाह रहे, लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। एक कहता पिता की सेवा मैं करूंगा, दूसरा कहता पिता की सेवा मैं करूंगा। पिता ने एक दिन का झगड़ा निपटा दूंगी, कह दिया बेटा इस पैर की सेवा यानी इस पैर को तुम दबाया करना और इस पैर को तुम दबाया करना। वो बोला ये पैर मेरा भया आस, और वो कहता ये पैर मेरा है, और बाहर जाकर कह ध्यान रखना तेरा पैर मेरे पैर से टच नहीं होना चाहिए, यानी छुपना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होगा। तो तू भी अपने पैर को संभाल करके रखना। पैर कौन के? समय सार और श्राप का चार है जिनवाणी के, निश्चय और व्यवहार दोनों ने हैं जिनवाणी के, और हमने बांट ले, वासियों ने बांट ले, अभ्यासियों ने नहीं। हाँ वासियों ने बांटे, जो कहे हम निश्चय वाले हैं निश्चय वासी, जो कह हम व्यवहार वाले हैं व्यवहार वासी है, और हम तो दो ही मिला मिला के चलाते थे ओबिया वासी। तो सत्य मार्ग क्या है, सो पड़ी हुई। अब हम सबको तो बता रहे थोड़ी है, प्रकट तो राधा भाषियों ने बांट लिए हैं, अभ्यासियों ने नहीं, भाव भाषियों ने नहीं। हाँ बोले अभ्यासी और भाववासी, अभ्यासी भाववासी होते या वासी नहीं होते। निश्चय के अभ्यासी होते भी निश्चय के भाव को ग्रहण करते हैं, व्यवहार के अभ्यासी होते व्यवहार के भाव को ग्रहण करते हैं। देव गुरु की भीगी भक्ति बताएंगे तब भी वो ग्रहण करेंगे, बराबर ऐसा है इस भूमि को, तब वो भगवान की भक्ति चलती है। तब वे निश्चय के अभ्यासियों की आंखों में उस समय भी आंसू आ जाया करते, वाह जिनेंद्र तो वही शरण है। पिता की दोनों पैरों को बांट लिए थे। एक दिन पिता निद्रा में अचेत हो गया था, और निद्रा में अचेत हो जाए तब कोई पता थोड़ी है पैर पे पैर रख लिया, रखा हुआ हुआ तो हुआ उसमें क्या कर सकते। तब तक एक छोटा आया, वो कहते हो इस मेरे पैर पे कब्जे जमाना चाहता है, इसका पैर आराम से नीचे सो रहा, मेरा पैर इसकी मुंड पे रखा है, इसके सिर पे रखा है, मैं देखता हूँ अभी इसको, आगे मोटा सा डंडा लेकर के आया, और पिता सो रहा है दे मारा है, जोर से टूट गया पैर, चिल्लाया पिता आए मर गया इसने मेरा पैर तोड़ दिया बेटा बचा बचा। तब तक दूसरा बड़ा आया चिल्लाता पिताजी क्या हो गया क्या हो गया, इस दुष्ट ने मेरा पैर तोड़ दिया, कैसे सेवा कैसे पुत्र है समझ में नहीं आता, मैं तो प्रशंसा करता था मेरे बेटे बड़े अच्छे हैं, मेरे बेटे बड़े अच्छे सेवा के लिए लड़ते, हमारे पंचम काल के श्रावक भी बड़े अच्छे धर्म के लिए लड़ते, क्या कर रही हो तुम तो
कोई निश्चय के नाम पर लड़ता है, कोई व्यवहार के नाम पर लड़ता है। एक छोड़ बैठा एक भाई में धर्म मान बैठा, एक छोड़ बैठा और एक उसी में। मैं पहले कहता आवासियों की ऐसी दशा है, एक कहेगा कि वही क्रिया में खाने पीने वही में धर्म है, और एक कहेगा का खाने पीने में धर्म है, कुछ भी खाओ। जेकब का कुछ भी खाओ, ये तो हमने नहीं सिखाया, ये तो जिनवाणी ने नहीं सिखाया। दूसरा आया और पिताजी मेरा पैर तोड़ दिया, कि हाँ तेरा पैर तोड़ दिया, विकल्प मत करो, मैं देखता हूं अभी इसके उपाय को, इसको भी दंड मिलेगा। उसने उठाया और दूसरा डंडा मारा और पिता ए बेटा मेरा है तेरे, इसका नहीं है, मेरा है मेरा। सुते बालक को था कसाई की थे, उसने तोड़ दिया। एक श्राव का चार को तोड़ देता है, एक समय सार को तोड़ देता है, एक निश्चय का पैर तोड़ देता है, एक जिनवाणी व्यवहार का तोड़ देता है, जिनवाणी बिना पैर के। क्या हुआ पंडित जी कह रहे हैं ऐसे झगड़ा मत मचाना हमारे नाम पर, और चले गए और राजा के दरबार में पहुंच गए। और राजा के दरबार में पहुंच करके क्या हुआ, बंदी बना राजा के निकट उनको ले जाते हैं, मृत्यु कर्मों का ही उदय विपाके अनेक विद दर्शाए, ये मुझे सुभाविजु है नहीं जिन बर स्वामी दर्शाए, कर्म कर्म सो पल सो न्यारे ज्ञायक को भाते हैं, महामना टोडर मल जी की मैं तो दंड। पंडित जी मौन खड़े। राजा ने पूछा तुमने ऐसा किया, पंडित जी साफ सोचते हैं पाप के उदय में सहायक का निमित्त नहीं बनता, और महापुरुष अपने मुख से कुछ नहीं कहा करते, उनकी साक्षी प्रकृति दे तो दे, वे तो ज्ञायक के साक्षी रहा करते, पूरी जनता कह रही थी इन्हें नहीं किया, तथापि राजा ने अविवेक में आकर के मृत्यु दंड बिन विवेक के राजा ने दिया। उनको बंदी बनाने की वो दिन था कार्तिक शुक्ला पंचमी, कौन सी कीसरी सिंह पाटनी के गुटका के अनुसार 55 नंबर पेज पर उनको डेट लिखी। इसलिए अपन जो देश में बहुत से समाधि मरण दिवस मनाते हैं टोडरमल जी का, उसी डेट के आधार से मन रहा है कुछ सालों से। हाथी के नीचे कुछ वादो आदेश सुना दिया, कह दिया ले जाओ, और हाथी के नीचे कुछ बात। हम तो आज सुनते ही रोम कांप जाता है, लेकिन उस महापुरुष को देखो, सुन करके ओ गंभीर वे सुदातम बाते हैं, मना टोडर मल जी की सुन करके भी मौन हो, मैं तू अजर अमर परमात्मा तत्व देख निर्वीकता प्रसन्नता सवई अचरज करते, समता रस के स्वादी ज्ञानी परिणति सो दर्शाते। शिखर नहीं आई चेहरे पर, वैसी की वैसी प्रसन्नता प्रसन्न मुद्रा लेकर के चले जा रहे हैं। आराधक ही परम प्रभाव जिन स्वामी कहते हैं, इधर लेकर हाथी के निकट ले जा रहे हैं उधर मैदान में। मेरी जैन शासन तू ही है प्राण, मेरा जैन शासन मेरा जैन शासन
तू ही है प्राण मेरे जैन सा, तेरी आन न दाने देंगे, तेरी सान न जाने देंगे, तेरे खातिर हो मेरे भगवन अपने न स्वर प्राण तजेंगे। महामाई मोसासन तू ही है प्राण मेरे जैन सा, तेरी शान न जाने देंगे, तेरी आन न जाने देंगे। आन मतलब मर्यादा, उनकी जो मर्यादा है, उसकी जो शान है, हिंसा सत्ताचार आचार आदि, उसको उसको नहीं जाने देंगे। चाहे प्राण हमारे चले जाए तो चले जाए, ऐसा करके जब निकट पहुंचे हैं। सल्ये के ना को धार, चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग कर दिया और आत्मभावना बहाने लगे। वो सुतातिमा को बाय, अजर अमर में स्वयं प्रभु अंतर मुख हो जाय। आंखें बंद थी, हाथ पे हाथ रखकर ध्यान कर। धन्य आत्म आराधन सब शिक्षा पाते हैं, मामन टोडर मन जी की गाते हैं। और चारों तरफ जनता, जब हजार लोग तो प्रवचन सुनने वाले थे, जब वो ऐसी घटना हुई होगी तब कितने लोगों, चारों तरफ आंखों में आंसू, कोई मूर्छित हो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई कह रहा राजा न्याय कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कह रहा है। जाते जाते में टोडर मल जी की नजर सबकी ओर गई। पंडित जी कुछ बोलो आखिर, तो आखिरी में मानव ने क्या संदेश दिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो भाइयो, अब हम तो तुमसे विदा ले रहे, देता जाता रतन मैं तुम्हें भाइयो को मत देना वो मेरे भाइयो, मोक्ष मार्ग प्रकाश मोक्ष मार्ग परमानंदमय श्री दिन स्वामी की वाणी आई, परम त्राप्ति मई परम तुष्टि मई अंतर मोके हो कर देखो सही, क्यों बार भटकते अरे भाइयों, अब हम तो तुमसे विदा ले। क्या है जिन धर्म में क्या कमी है जो तुम बाहर खोजा करते हो, जो कुछ मिलेगा वो यही मिलेगा, जो यहां नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, और कहीं मिल जाएगा वो यहीं का मिलेगा। जोरी था अपने बेटे से, भाई जोरी कहता है कि बेटा दुकान पर बैठा करो, नहीं बैठा मैं धंधा देख रहा हूं, चल देख ले। कुछ दिन के बाद में अपने पिता से आकर के कहता है कि पिताजी कुछ कण लेके आया है, पिताजी मेरी पहली कमाई। बोले तूने क्या धंधा कर लिया, अरे तुम सुनोगे प्रसन्न होगे, ऐसा धंधा है। अच्छा क्या करके लाया, तो देखो जी कानवन क्या करके लाया, क्या करता है कि हम पूरे दिन मिलकर धूल छानते, क्या करते हैं धूल छानते हैं, उसमें से सोने चांदी के कण मिल जाते हैं। मूर्ख, जहां हीरा जवाहरात सोने चांदी ढेर लगे भक्त उससे बैठते नहीं पड़ता, और धूल छान छान के कुछ कण लेकर के आता है, है? जहां अच्छाई अच्छाई ऐसे शास्त्रों को देखते नहीं बनता, और कहीं अखबार में से कहीं यहां से वहां से कट कट कर पढ़नी थी, अखबार में बहुत अच्छी बात है। अरे आपने देखा नहीं है फला भला का ग्रंथ है, उसमें कुछ इतनी अच्छी आत्मा की बात आ गई, देखो जी इतनी अच्छा वो आ गया। अरे भैया
जहाँ रत्न ही रत्न भरे रखे हैं उनको तो तुझे देखते नहीं बनता। अच्छाइयां 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 भरी हुई हैं, उन ग्रंथों को तू अवलोकन नहीं करता और इधर उधर की पुस्तकों से धूल छानता हुआ फिरता। और ध्यान रखना, वो जो कण थे वो उसी दुकान के थे, भाई की धूल थी उसी को छान कर लाया है। ऐसी उस पुस्तक में या उस अखबार में तुम्हें कुछ मिल गया वो कहीं कहीं था, कहीं ना कभी उसने आगे कुछ पढ़ा होगा। और तू कहता है आप भी देखा करो, नहीं लौकिक जानकारी तो होना चाहिए पंडित जी अखबार पढ़ा कर। अरे ये हमें फुर्सत नहीं, अरे लोक की जानकारी तो होना चाहिए, सब ने अपनी भाषा में बोल दिया, हम तो उसको जानेंगे लोक के साथ लोग भी जानने में आ जाए। कौन गायक होगा कैसे ग्रंथ लिखे निर्ग्रंथों ने, अद्भुत रहस्य बराए इन ग्रंथों में, वीरों ने तो प्राण दे रक्षा करी, तुमको पढ़ने तक की फुर्सत नहीं, खुद जले पर ने नहीं जलने दिया, अब हम तो तुमसे विदा। इसी प्रकार में रीत गए, तुमने कहा था पूरी कहता सुना, खुद जल गए लेकिन ग्रंथ देके चले गए। उस दिन कहा था जब परिवार का सोना चांदी सब कुछ लूट लिया और पूरे परिवार के एक एक सदस्य को ठोकर ठाकर को उसमें फेंकते गए, पूरा परिवार जल गया था लेकिन ताड़ पत्र उसी का फल था, इस समय सार नियम सारा आदि ग्रंथ बच गए। उन्हें जल जल करके ग्रंथ दिए हैं, यदि हम समय देख करके इनको स्वाध्याय नहीं कर पाए तो ऋण से उरण होने वाले नहीं है। ये प्राण से प्यारा श्री जिंदरम, इसका हृदय में हमने समझा मरम, प्राण अर्पण किए अपने जिंदर्म को, परम पावन श्री जिंदर्म को, तनिए मेरा दबेगा तो कुछ गम नहीं, सामने आती चिगाड़ता हुआ आ रहा है। टोडर मल्ली कह रहे हैं कि ये मेरे सीने पर हाथ पैर रखेगा कोई गम नहीं है, तनिए मेरा दबेगा कुछ गम नहीं, केसरिया धुजना झुके ने दिया, अब हम तो तुमसे विदा ले रहे। निकलन के कह रहे थे सिरे मेरा कटेगा तो कुछ गम नहीं, केसरिया धुजना। 20,000 युवा गोवा में, गोवा की घटना 500 साल पहले की, ईसाइयों का जमाना, जैन धर्म नहीं छोड़ा, बोले तोपों से उड़ा दो, 20,000 युवकों को एक एक करके तोप से उड़ा दिया था, लेकिन जिन धर्म के को नहीं छोड़ा, अन्य मत को अंगीकार नहीं किया, तब ने हमारा उड़ेगा तो कुछ गम नहीं केसरिया दुजना, जिस केसरिया के लिए वे प्राण दे गए। हम जरा जरा सी इच्छा में केसरिया को झुका देते, हमारे विवाह आदि कार्यों में डीजे बजने लगती है और हमारी बहनें भी बाजा कर नाचने लगती हैं और लोग कहते हैं कि भैया आजकल जैनन की क्या हालत हो गई, जब हमारे यहाँ रात्रि में भोज चला करते हैं तो लोग कहते हैं तो जैनन में सब चलने लगा, तब केसरिया झुक जाता है। जैन साहब रोजाना पड़ोस में अखबार पढ़ने, जहां स्कूल था वहीं के थोड़ी दूर पर अखबार पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अखबार पढ़ के चले आते हैं वो टीचर, एक दिन का समय था, वो बोले पानी ले आओ थोड़ा सा, बेचारा वो कांप गया, अजैन था, छोटे कुल का था, बोले क्षमा करियो गुरुजी, मैंने आज तक इसलिए नहीं पूछा कि आप तो जैन हो और मेरे यहाँ छना पानी नहीं मिलेगा, बोले हमको तो सब चलता है, क्या कर दिया
झंडा झुका दिया जो उसके हृदय में बना हुआ था। मैंने प्राण देकर के भी केसरी आपको ठहराया है, तुम छोटी छोटी सी इच्छाओं में हम आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा, क्या कर रहे हो? केसरिया को चुका रहे हो। कम से कम फेरा ना सको तो चुकाना नहीं। बड़े पंडित जी कहते हैं, एक हाथ को धर्म में ना लगा पाओ बेटा तो ऐसा जीवन मत जियो तुम्हें देखकर कोई कह लगे भैया जैसे तुम्हें अच्छे। हाँ, प्रभावना ना कर पाओ तो कम से कम अप्रभावना चाहे छूट जाए, लेकिन अपना संयम, अपना नियम, अपना धर्म को नहीं छोड़े। इसको तो छूटना ही है, और इसको रखने वाला है कौन? उसका आयु कर्म उसका सेवक है, उसका साधा कर्म उसकी व्यवस्था में लगा है, मुझे तो मेरी व्यवस्था देखना। और प्रेरणा करके पंडित जी साहब पहुंच गए। मैं पूरा इतिहास सुनाने अब मेरे पास समय नहीं है। उधर भैया समझ जाना अंतिम समय है, और जाते जाते में कुछ कह करके गए। मोते अबे मोते कसाया तुमको शायर दे बनाने को, हाथी ने कटा लाया चिगाड़ता हुआ, हृदय पर पैर रखवाएंगे अब अपने प्राण भी दे करे भाइयों ग्रंथ को दे करे चल दिए हम जिंदरम जिंदरम तेरा समझा मरम तेरी रक्षा में प्राणी भी तजो देंगे यदि आवे तो पढ़ना यदि याद आवे तो पढ़ना अहो वीर की दे सिनाए मंगलमयी अहो। अगर तुम्हें लगता है पंडित जी बहुत कुछ लिख कर गए, बहुत बड़ा उपकार हुआ है, तो इसको पढ़ना। प्रभु के शासन का मर्म अरे इनके बिना नहीं समझेंगे हम जिंदरम जिंदरम तेरा समझमरम तेरी रक्षा में प्राण जो चले हम। सामने हाथी आ गया था, पंडित जी ने अपना उपयोग समेटा है, चैतन्य किया, तन के देश को छोड़कर, कर्म के देश को छोड़कर, रात के देश को छोड़कर ऐसी जगह पहुंच गए जहां हाथी था ही, चिदानंद के देश में पहुंच करके गजराज भी अश्रु बहाता। सामने आती था, आंखों में आंसू बह रहा है, विचार कर रहा है इस महापुरुष के ऊपर पैर कैसे रखूं, इसके तो चरणों में बंधन करने लायक है। गजराज भी अंकुश सहता पर पैर नहीं रखता अश्रु बाए धर्मी जन ये देर नहीं रखता वो अंतर मुख उपयोग में आत्म को बाती है। निकट आदि को देख करके साधर्मी तो मूर्छित होकर गिरने लगे हैं, हाथी भी अंकुश पे अंकुश सा जा रहा, चिगाड़ने की आवाज आ रही, तब पंडित जी का उपयोग बाहर में आया कि इसको पीड़ा क्या है। धर्मात्मा अपनी पीड़ा देख सकता है पर दूसरे की पीड़ा नहीं, ऐसा ही उसका व्यवहार हुआ करता है। इतने बोले गजराज तू क्यों व्यर्थ अंकुश से रहा। क्या बोले भैया तू काय को अंकुश से रहा है क्यों?
तू घबरा मत, मेरे ऊपर पैर नहीं रखेगा, तू तो मिट्टियों पे चला करता है। इस मिट्टी पर पैर रखन से तू क्यों डर रहा? मत सोचना मैं टोटम जी के ऊपर पैर रख रहा हूं। कहां रख रहा है? ये माटी पे पैर रख रहा है। तू डर मत, आ जा। स्वागत कर दिया उसका। तू अपना कार्य कर, हमें विघ्न मत कर भाई, आवाज करके तू अपना काम शुरू कर। तू अपना कार्य कर, हम भी निज कार्य करते हैं। मना टोडर मल जी की इतना सुन, चला आया, उठा लिया और आ गया था वो करिका, आ गया था हमारा अवाक। हाथी ने पैर क्या क्या ना लिखते, वो क्या क्या ना करते, कोई ज्यादा उम्र नहीं, खोज अनुसार मुश्किल से 43 वर्ष की उम्र, उसमें ऐसा उत्तम काम किया। अगर आगे होते तो कितना मानकारी होता, लेकिन जो होना था हमारे अभाग्य से सो हुआ, आ गया था। इतना सुन अश्रु भरते गजले, पैर तारका गाड़े उड़े, खून की लोथरा गिर रहे हैं। पंडित जी मैं एक हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चैतन्य में परमात्मा पूर्णानंद की खान, ये ऐसा भाते हुए चिदानंद देश में चले गए। वहां कोई छेदाए भेदाए को ले जाए, नष्ट बने अरे कोई रीति जाए, पर तन नहीं मेरा। अपने चिदानंद परमात्मा में समा जाते हैं और उसने पैर रखा। मानो जिन शासन का स्तंभ आज है गिरा, सभी की आंखों से अश्रु, सभी की आंखों से अश्रु जरते, मूर्छित होते मना टोडर मल जी की गाथा गाते। लेकिन पंडित जी साहब क्या कर रहे थे? उतर गए वो निज स्वरूप में सहज समाधि धार, अजर अमरे स्वरूप को ध्याते तजी दे सुख का। अजर अमर चैतन्य भगवान आत्मा को ध्याती, उन्होंने देह को छोड़ दिया। माँ उपकारी का उपकार हम गा नहीं पाते हैं, माँ मना टोडर मल जी की उरण होना उपकार से, तो पढ़ो ये ग्रंथ। जिनको लगता है बहुत बड़ा उपकार करके गए हम, उनके उपकार को कैसे चुको, तो ये ग्रंथ पढ़ो। और आज मैंने कोई नियम नहीं दिलाया, बोलो भाई जीवन में एक बार पूरा करेंगे ऐसे कौन है? मैं बहुत स्थूल नियम इसलिए ले रहा हूं, कोई ऐसे नवीन भी बैठे, पुनः एक बार पूरा करेंगे सब। जिनने कर लिया है ना, आज से एक बार मोक्ष मार्ग पे खा सक, पुनः
आज दो पान कहा भैया, और हमने तो यहां तक कह दिए जीवन में करेंगे, लेकिन जीवन देखा कौन ने? सच बोलता हूं भाई ने नियम लिया था, चार दिन भी पूरा नहीं हो पाया, घर पर पहुंचना शुरू कर चले गए, लेकिन नियम तो लेके गए ना, पूरा होगा संकल्प लेना सब। अगर उनका उपकार और आपका कुछ हृदय भीगा हो तो इस ग्रंथ को अधूरा ही पूरा नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, पूरा होता तब क्या करते, पूरी जिंदगी जाना किसमें, जिनवाणी का स्वाध्याय करो भाई। माँ जिनवाणी उस दिन कहा था, वो कहती है तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें समझ दूंगी, ऋण उराण हो ना हो ग्रंथ उपकार सिद्धो पढ़ो ये ग्रंथ, मिथ्यात ग्रंथि वेद निहारा मंगलकारी ग्रंथ, शीश बिधर उनके गुण गाते हम हर साते हैं। सुखांत करने के लिए लेना ये मैंने, लेकिन कोई निधि हमें मिल गई है, शीश बिधर हमारे कितने आवास देके गए हैं ये ग्रंथ, उनके गुण गाते हम हर साते हैं, महामना टोडर मल जी की आते हैं, जागो जागो जैनी बाई कथा ही जगा रही, खोए हुए इतिहास की तुमको याद दिलाते हैं, भूले हुए इतिहास की तुमको याद दिलाते हैं, मामना अरमल जी की गाथा गाते हैं, जागो जागो जैनी बाई कताई जगा, तुमको जगाने का था हम फिर दोहराते हैं, मामना टोडर मल जी की। इस प्रकार से वीरों ने कैसे कैसे अब सुनो जी नहीं अब पढ़ो जी जैन पुराण, समझ गए, सुनने का काल तो हो गया, एक समय होता है। आप लोगों ने खूब लाभ लिया उत्साह से, ऐसे ही आप जिनवाणी के प्रति निरंतर विनत रहना, जिनवाणी के प्रति ऐसी मेरी अंतरंग की भावना है। विगत दिनों में किसी के प्रति कोई वचन निकल गया, पंडित जी ने हमारे ऊपर ही बोल दिया, भैया हमको कोई ऊपर नहीं बोलते और सबके ऊपर बोलते, हाँ इसको लगे कोई वचन निकल गया तो भैया उसको अन्यथा मत लेना, हमारे प्रति क्षमा रखना। ये उत्तम है सो भगवान महावीर के शासन का है, गुरु गौतम गणधर आदि भगवंतों के आचार्य परंपरा के अनुसार अनेक ज्ञानियों का है, और विद्यालय के गुरुजनों ने जो दिया है, और वर्तमान मेरे जीवन कृपी सुनाम धन ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन जो कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उनसे उनकी ही जानना, और कुछ बुजराई हो तो मेरी जानना, ये कुछ अच्छा सीखे हैं, हृदय बिगना सीखा है, जैन शासन समझना सीखे हैं, उन गुरुजनों का ही प्रताप है। आप देवसाध गुरु से जिनवाणी से जिन धर्म से जुड़ो ऐसी मेरी भावना के साथ में ओम नमः। जिनवाणी वंदना कर निजी निधि।